ओम शांति। आज 29 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि अगर चलते चलते माया में फंस गए तो क्या होगा, तकदीर को ही लकीर लग जाएगी। तुम्हारा मुख्य कर्तव्य ही है कि पढ़ना और पढ़ाना, जितना ज्ञान का मनन चिंतन होता रहेगा, ज्ञान में बुद्धि समाई रहेगी, उतना बाबा कहे माया से सेफ रहेंगे और सदा ईश्वरीय मत पर चलने से माया से सेफ्टी है। बाबा कहे तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, रहना गृहस्थ व्यवहार में है, शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, ये दो शब्द में सारी पढ़ाई समा जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्द में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। बाबा कहे नए हैं तो जिज्ञासा होती है, तो जरूर कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। इसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहां तो वह बात नहीं। दुनिया में तो एक तरफ माया का जोर है, एक तरफ बाबा के पढ़ाई हमें खींचती है, तो वहां थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बाबा कहे यहां मधुबन में तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इसको पकड़े, चला जाए तो चला जाए, यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है, इसलिए कुछ वर्षा देने के लिए भगवान को कुछ देना है, तभी बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। शाहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं शाहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको, हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो
बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे, तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजा पिता भी तो नामी ग्रामी है, जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है, सत्युग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। बाबा कहे सारा आधार निश्चय पर है, निश्चय नहीं बैठता तो चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो ना, बाबा शुरू शुरू में पूछते थे आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है, यह है एम ऑब्जेक्ट। विष्णु की 4 भुजा प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। तो बाबा कहे यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं, से कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नरसे नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। बाबा कहे ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? कौन सुनाते हैं, बाप सुनाते या ब्रह्मा बाबा? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं, वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है, आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं, तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा
विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे, जरूर बाबा कहे संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े, हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? हिसाब पूछते बाबा, इतना अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं कौन थे? मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, हे भगवान ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं, बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं कि दोनों जगह बाबा कैसे हुए। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? ये बाबा कहे अर्थ तो समझते नहीं कि हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं। कौन से दो अक्षर? अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखरिन तंत यानी सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे हैं, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, इतना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वह अपनी रसम चलाते हैं, जैसे राजा होगा वैसे वह अपनी रसम चलाते हैं। आगे मण शेर पांव का हिसाब चलता था, अभी किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है, कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं।
दिल्ली में जो चीज 1 रुपया सेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया सेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो खुशी होने लगी। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, फिर शिव बाबा ने विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, यह फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी और अब कितनी है, तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, जनसंख्या कम होने के लिए तो विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, गीता है माता पिता, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख या बना। कल फिर श्री कृष्ण होगा, उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। बाबा कहते यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया, कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है, गंगा जमुना और सरस्वती गुप्त है। अब नदी गुप्त कैसे हो सकती है, तो बाबा कहे अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहां भी गौमुख दिखाया है, माउंट में भी गौमुख दिखाया है। 700 सीढ़ी नीचे उतरो और वहां छोटा सा एक आश्रम जैसा कोई झोपड़ी है और गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहां आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, फिर यहां तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। बाबा कहे उन्हें पूछो भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं,
ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग्य। यह है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहां तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहां तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, समय का इशारा बाबा देते हैं कि अभी टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए क्या करो, याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करो, जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म के विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे, जो बाबा कहे भक्ति में भी वो आपके अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आज का स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। अच्छा, ओम शांति। Thank you.